एक साथ जुड़ रहे हैं। दो दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूँ, हमारे वीरों का स्मरण करता हूँ और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो ऐप पर, MyGov पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुख दुख भी साझा किए हैं। इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात यह भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। साथियों, आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवन प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर, यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए जिसमें संक्षेप में दोनों महापुरुषों की जीवनी को भी उकेरा गया है। मध्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई है। ऐसा ही एक कार्यक्रम काशी में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे महान विभूतियों के सम्मान में 3 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया। अलग अलग कालखंड में इन सभी की देश की जन जागृति में
बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको ध्यान होगा, मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने 3 प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था, कंपटीशन की बात कही थी। एक, देशभक्ति के गीत लिखना, देशभक्ति से जुड़ी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना, और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए। मुझे आशा है इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे। मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वृंदावन लेकर चलता हूं। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमारे संतों ने भी कहा है, यह आशा धरी चित्त में, यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग कौ, वृंदावन सुख रंग कौ काहू न पायो और। यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन का जो सुख है, यहाँ का जो रस है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता, वो तो असीम है। तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं। पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी, इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है। जगत तारिणी जी वैसे तो है ऑस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में आकर के उन्होंने बिताया। उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई, अपने देश वापिस तो गई, लेकिन वो कभी भी वृंदावन को भूल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृंदावन उन्होंने बना लिया। यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन, नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं। जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा था। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और जलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। साथियों, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता।
वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े। यहाँ के पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी तो मैं कहता हूं सबका प्रयास। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं, जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती हैं। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। एक प्रकार से ये स्वांतः सुखाई तो है। और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीत कर आए हैं। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है।
हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति, जिन्हें हृदय रोग की बीमारी, हार्ट की समस्या थी। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी, फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए। स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था जी? मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी, तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई, उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा, तो उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राम मूर्ति में, उनसे मिले हम अमरेश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी, फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है, तो हमने कहा सर ये किसमें कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया, तो हमने कहा सर है हमारे पास है और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है सर। और जो आपने ये बनाया है कार्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से हम गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए, एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है, जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक है कार्ड ले जाइए, मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा अगर कार्ड नहीं होगा, तो मैंने कहा सर कार्ड तो है मेरे पास, तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए, तो हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया, मेरे एक पैसा नहीं खर्च हुआ, सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई है। तो राजेश जी आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी उम्र भी इतनी लंबी होगी हमेशा सत्ता में ही रहे, हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश है, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए, मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या। देखिए गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में जी सर बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन देखिए राजेश जी आप हमारा एक काम कीजिए, करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। देखिए होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है, आप एक जिम्मेवारी निभाइए, ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए, और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे ये तो ठीक नहीं है, अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और गरीब को तो क्या होता है, जैसे आपको ये हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे, अब तो 10 कदम नहीं चल पाते, जीना नहीं चल पाते थे सर। बस तो आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बन के जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए भाई एक राजेश जी की तबीयत तो ठीक हुई, लेकिन राजेश जी ने सैकड़ों लोगों की तबीयत ठीक करवा दी। ये आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है, तो घर घर इस बात को पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर, हम तो वहीं 3 रुके ना हॉस्पिटल में सर, तो बेचारे बहुत लोग आए, सारी सुविधाएं उनको बताई, कार्ड होगा तो फ्री में हो जाएगा। चलिए राजेश जी आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता कीजिए और बहुत प्रगति कीजिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं है आपको। साथियों हमने राजेश जी की बातें सुनी, आइए अब हमारे साथ सुखदेवी जी जुड़ रही हैं। घुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था, आइए हम सुखदेवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं
और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाउदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में, फिर तो सुखदेवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ राधे राधे भी कहना होगा। हाँ, राधे राधे। अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, जरा बताएंगे क्या बात है? हाँ, मेरा घुटना खराब हो गया था तो ऑपरेशन हुआ है मेरा, प्रयाग हॉस्पिटल में। आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी? उम्र 40 साल। 40 साल, और सुखदेव नाम, और सुखदेवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल लग गई। अरे बाप रे, इतनी छोटी आयु में घुटने आपके खराब हो गए? वो गठिया वाली बोलते हैं जो जोड़ों में दर्द से कहते हैं, घुटना खराब हो गई। तो 16 साल से 40 साल की उम्र तक आपने इसका इलाज ही नहीं करवाया? नहीं करवाया था, दर्द की दवाई खाते रहे छोटे मोटे डॉक्टर ने पे थे, देसी दवाइयां वैसी दवाइयां थैला छाप डॉक्टर ने पे थे, उनसे घुटना चल वे पे ही खराब हो गई। 1-2 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी। तो सुखदेव जी, ऑपरेशन का विचार कैसे आया, उसके पैसों का क्या प्रबंध किया, कैसे बनाए सब? मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया। तो मैंने आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था? हाँ। और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में उपचार होता है पता था? स्कूल में मीटिंग हो रही थी, माँ से हमारे पति को पता चला तो कार्ड बनवाया मेरे नाम से। हाँ। फिर इलाज करवाया कार्ड से, और मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, कार्ड से ये इलाज हुआ है मेरा, खूब बढ़िया इलाज हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड न होता तो कितना खर्चा बताते थे? 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 6-7 साल से परी हूँ खाट में, ये कहती थी ये भगवान मुझे ले ले, मुझे नहीं जीना। 6-7 साल से खाट में थी? बाप रे बाप। हाँ। ओहो, बिल्कुल उठा बैठा नहीं जाते, बच्चे बैठाते। तो अभी आपका घुटना पहले से अच्छा हुआ है? खूब घूमती हूँ फिरती हूँ, किचन का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चन को खाना बना के देती हूँ। तो मतलब आयुष्मान भारत का कार्ड आपको सचमुच में आयुष्मान बना दिया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी योजना की वजह से ठीक हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तब तो बच्चों को भी आनंद आता होगा? हाँ जी, बच्चों को तो बहुत ही परेशानी होती थी, अब माँ परेशान है तो बच्चा भी परेशान है। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्थ्य ही होता है, ये सुखी जीवन सबको मिले यही आयुष्मान भारत की भावना है। चलिए सुखदेवी जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से एक बार आपको राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। मेरे प्यारे देशवासियों, युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती है, और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा, और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है। और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है, ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम 1 बिलियन डॉलर होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है, सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की सफलता के कारण
हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों, स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। मयूर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। मयूर जी आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि आज आप कुछ स्टार्टअप की दुनिया में हैं। हाँ जी। और बेस्ट में से बेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी। एनवायरमेंट का भी कर रहे हैं। थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए, कि काम के बारे में बताइए और इस काम के पीछे आपको विचार कहाँ से आया? तो जब कॉलेज में था तभी मेरे पास मोटरसाइकिल था जिसका माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत ज्यादा था। वो टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल था, तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था कुछ 2011-12 में। और उसका मैंने करीब करीब 62 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज बढ़ा दिया था। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा। तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया और रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में हम लोगों ने 10 बसेस में वो यूज किया उसका रिजल्ट चेक करने के लिए। और करीब करीब हम लोगों ने उसका 40% एमिशन उसका कम कर दिया बसेस में। अब ये टेक्नोलॉजी जो आपने खोजी है उसका पेटेंट वगैरह करवा लिया? हाँ जी, पेटेंट हो गया। ये साल में हमें पेटेंट ग्रांट होके आ गया। और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका? किस प्रकार से कर रहे हैं? जैसे बस का रिजल्ट आ गया, उसके भी सारे चीजें बाहर आ गई होगी, तो आगे क्या सोच रहे हैं? सर, स्टार्टअप इंडिया के अंदर नीति आयोग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहाँ से हमें ग्रांट मिला और वो ग्रांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी फैक्ट्री चालू किया जहाँ पे हम एयर फिल्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से कितना ग्रांट मिला आपको? 90 लाख। 90 लाख। और उससे आपका काम चल गया? हाँ, अभी तो चालू हो गया है, प्रोसेस में है। आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब? हम लोग 4 लोग हैं सर। और चारों पहले साथ में ही पढ़ते थे और उसी में से आपको एक विचार आया आगे बढ़ने का? हाँ जी, हाँ जी, हम कॉलेज में ही थे तो कॉलेज में हम लोगों ने ये सब सोचा और ये मेरा आइडिया था कि मेरा मोटरसाइकिल का एटलीस्ट पॉल्यूशन कम हो जाए और माइलेज बढ़ जाए। अच्छा, पॉल्यूशन कम करते हैं, माइलेज बढ़ाते हैं, तो एवरेज खर्च कितना बचता होगा? सर, मोटरसाइकिल पे हम लोगों ने टेस्ट किया, उसका माइलेज होता 25 किलोमीटर पर लीटर, वो हम लोगों ने बढ़ा दिया 39 किलोमीटर पर लीटर। तो करीब करीब 14 किलोमीटर का फायदा हुआ और उसमें से 40% का कार्बन एमिशन कम हो गया। और जब बसेस पे किया रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तो वहाँ पे 10% फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ और उसमें भी 35-40% एमिशन कम हो गया। मयूर, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथियों को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए कि कॉलेज लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने पर्यावरण की समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बिड़ा उठाया। और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्थ्य ही है कि कोई भी बड़ी चुनौती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है, तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई, अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव की बात की, अमृत काल में कैसे हमारे देशवासी नए नए संकल्पों को पूरा कर रहे हैं इसकी चर्चा की और साथ ही दिसंबर महीने में सेना के शौर्य से जुड़े हुए अवसरों का भी जिक्र किया।
दिसंबर महीने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। ये दिन है 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था। हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की मूल भावना, हमारा संविधान हम सभी देशवासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, अब हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं, स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की, इस वर्ष की आखिरी मन की बात होगी। 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मैं हां आपसे ढेर सारे सुझावों की अपेक्षा करता ही रहता हूं, करता रहूंगा। आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं, नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी जरूर बताइए। और हां, ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को आप सुन रहे थे। तमाम वो हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं। वो बड़ी बातें क्या रही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश से की, वो आपको बता रहे हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही साथ तमाम बड़ी बातों का भी जिक्र करते हुए सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना बेहद लाभकारी है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही उन्होंने तमाम जो घटनाएं अभी घटी है हाल फिलहाल में, उनका भी जिक्र किया।